और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 29वां मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। यह मैच भारत और इंग्लैंड के बीच होना है। ये भिड़ंत लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगी। दोनों ही टीमें हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड की टीम ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें से केवल एक ही मुकाबला जीत सकी है, जबकि 4 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं भारतीय टीम की बात करें तो अभी तक हुए 5 मैच जीते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब तक ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। तो वहीं इंग्लैंड की टीम केवल बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल कर सकी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ों को देखा जाए तो भारतीय टीम इस वक्त मजबूत स्थिति में है। आज का मैच बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट है कि आज इंडिया कम से कम 400 रन बनाए और इंग्लैंड को अच्छा टारगेट दे। और मैं चाहता हूं कि विराट कोहली आज अपना 49 सेंचुरी पूरा करके सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी की बराबरी करें। और मैं आज इसलिए खाली रोहित शर्मा का 100 देखने के लिए आया हूं कि रोहित आज पहले बैटिंग करे, टॉस जीते और एक बड़ा टेस्ट है इंग्लैंड के लिए। वैसे भी इंग्लैंड का मनोबल बहुत कम है, 4 मैच हार चुकी है और इंडिया का फील्डिंग देख ले आप, बैटिंग देख ले, बॉलिंग देख ले, सबसे अच्छा है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अहम मुकाबला राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैं तस्वीरों से आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। पिछले 3 दिन से यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आज जो है बॉक्स ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो खुले और वो अंदर जाए। इधर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं, इधर से खिलाड़ियों की एंट्री है, तो ऐसे में यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं देने दी जा रही है। और मैं दूसरी तरफ की अगर तस्वीरों की बात करूँ तो इधर से जो क्रिकेट है, दर्शक है, वो लोग आएंगे यहाँ पे। पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 5 तक पूरा बकायदा यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस किधर से आपको अंदर जाना है, किधर से एंट्री है। तमाम ऐसे लोग हैं इस भीड़ में जिनको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाया था, क्योंकि आज के मैच को लेकर के टिकट की बहुत मारामारी रही। इधर पूरा रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। और अगर बात करें तो ये शहीद पथ है, शहीद पथ पे नो स्टॉपेज कर दिया गया है, नो स्टॉपिंग, गाड़ी को आप रोक नहीं सकते। अगर गाड़ी को थोड़ी देर के लिए अगर आप रोकते हैं तो उसे सीज कर लिया जाएगा, लेकर के पुलिस अपने अपने साथ लेकर के पुलिस उस गाड़ी को लेकर के चली जाएगी। पूरी व्यवस्था कर दी गई है, एहतियातन चारों तरफ से सिक्योरिटी लगा दिए गए हैं। यहाँ पे कोई गाड़ी आपको नहीं दिखेगा, कोई इस तरीके का मूवमेंट नहीं दिखेगा। और जो दर्शक हैं, दर्शक इधर से बाकायदा आ सकते हैं, वन वे कर दिया गया है। बाकायदा जिन गाड़ियों को आईसीसी से जुड़े हुए या फिर स्टेडियम से जुड़े हुए लोग हैं, वही गाड़ियां यहां पे एंट्री कर पा रही हैं, ताकि जो इससे जुड़े हुए लोग हो उनको आसानी से यहां पे लाया जा सके। यहां पे प्लासियो बड़ा माल है, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस प्लासियो माल को आज के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां इसके आज के मैच के दृष्टिगत ये देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही पूरे जो टिकटें थी वो बुक हो गई थी और तमाम ऐसे फैंस थे जो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे आए थे ताकि उनको टिकट मिले, लेकिन वो निराशा उनके हाथ लगी और उनको टिकट नहीं मिल पाई। तमाम ऐसे वेबसाइट फर्जी भी यहाँ पे बना दिए गए जहाँ से टिकट बेचने का दावा किया जा रहा था, बाद में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उस पर मुकदमा दर्ज कराया, उस साइट को बंद कराया। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज जो मैच होने वाला है, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो आज भारतीय टीम के समर्थक है, इंग्लैंड के समर्थक है, आप पहले ही अपनी टिकट की व्यवस्था करा लिए गए। यहाँ पे जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से कहा कि किसी तरह टिकट का व्यवस्था हो जाए, पास की व्यवस्था हो जाए, वो दो दो तीन तीन ज्यादा कीमत में टिकट लेने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। इन सब सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो मैच है उसको लेकर के दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा रोमांच भरा हुआ है। वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी से टॉस हो और भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर उतरे और इंग्लैंड को एक बार फिर हराए, क्योंकि लगातार 5 मैचों में भारतीय टीम जो है जीत हासिल कर चुकी है। छठा मैच है
और ये माना जा रहा है जिस तरीके से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से भारतीय टीम पूरे परफॉर्मेंस बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है पूरे फॉर्म में जिस तरीके से है, वो सबको पूरी तरीके से सब आश्वस्त है कि आज भी जो है वो जीत हासिल करेगी। कैमरामैन मुस्तफा के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।